नमस्कार प्राइम ओडिशा सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस सुपर संडे रे सुपर फाइट दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान मध्ये महामुकाबला संध्या 7:30 रे महामुही दर्शकों चियर्स रे दुलुकी दुबई सारा देशरु टीम इंडिया को छुटिला शुभेच्छा रसुओ शहे कोटी टीकाकरण देश सामर्थ्यर परिचय मन की बात रे स्वास्थ्यकर्मी उद्यम को प्रधानमंत्री प्रशंसा कहले महिला पुलिस भारत महिलाओं पर रोल मॉडल नूतन ड्रोन नीतिर सदुपयोग दे आह्वान आतंक को हर शिक्षा हेब अस्त्र काश्मीर युवपीढ़ी को नुआ सुजोग देवा दिगरे बड़ प्रयास अमित शाह और धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रे आईआईटी जम्मू कैंपस नूतन गृह अत्याधुनिक सुविधार लोकार्पण शाह कहले काश्मीर में समस्त को मिल शिक्षार अधिकार नो कंप्रोमाइज रु क्राइम ममिता मर्डर घटन विजय महापात्र सांघातिक अभियोग कहले कैप्टेन का रायपुर घरे गोविंद और ममिता कैप्टेन करते बुझामणा उद्यम राजी नहेबारु ममिता को हत्या मंत्री कॉल रेकर्ड जांच कले पदा को आसीबो सत दिव्य शंकर बहिष्कार दाबी रे आंदोलन तीव्र करबा को बीजेपी कांग्रेस रो चेतावनी सेक्स स्कैंडल रे अछंती की मंत्री कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र नारे पूरी सांघातिक अभियोग अंडरग्राउंड रूम रे अयस करुथिले मंत्री महालिंग कॉलेज रा पूर्वतन कर्मचारी खोली देले गुमर मंत्री प्रशासन को धरी पेटी कंट्राक्टर रु जमी माफिया दिव्यंक गोविंद पुणी घेरिले जनता अड़ुआ रे बीजेडी नेता ब्रह्मगिरी संजय दास वर्मा को ग्रामवासी तुहा कु तुहा प्रश्न माण फनी सहायता सह मागिथिले समस्या समाधान पूर्वरु मंत्री तुषारकांति निरंजन पुजारी और विक्रम आरु को समान ढंग से घेरिथिले जनता ओडिशा सीमार बारंबार आंध्रर अनुप्रवेश सतर्क होना जिला प्रशासन ग्राउंड रे स्थिति परखिला अर्गस राति रे नथिला पुलिस प्रहरा सतर्क नहीं कोरापुट जिला प्रशासन केउ गंभीरारे सोइछंती राज्य सरकार उठिला प्रश्न हात छाड़ीबा परे शंख फुंकिबे प्रदीप माझी कहले विश्वसनीयता हराइछि कांग्रेस ओडिशा रे सरकार आसीबार संभावना नहीं ओडिशा रे कांग्रेस अस्तित्व हराउथवा ने गणित कसुछंती समीक्षक किंतु सभापति एकथा को मानिबा को नाराज देखो संपूर्ण खबर आ मात्र किछि समय रे अपेक्षा आरंभ हेबो भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच चलित टी20 विश्वकप रे प्रथम मैच रे पाकिस्तान को भेटिबो टीम इंडिया आ ए महालड़े को देखिबा पई दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे दर्शकों खचाखच भिड़ से भारत को चीयर अप करने को पूरा देश एकाठी हो सुपर संडे रे सुपर फाइट भारत पाकिस्तान मध्य महामुकाबिला दर्शकों चीयर अप रे दुलुकी दुबई संध्या 7:30 दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे मुहांमुही हे दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान दुई वर्ष व्यवधान परे पुणी थरे दुई देश मधरे देखिबा को मिलिबा कड़ा टक्कर चलित टी20 विश्वकप प्रथम मैच रे पाकिस्तान को भेटिबा भारत आउ एथिपाई संपूर्ण प्रस्तुत अछि विराट बाहिनी जो पाकिस्तान टीम मते कोनो सिगुणा रे कम नहि कि इंडिया मते आपण जानती रिसेंटली इंडिया बोथ आर चैंपियंस टीम आगुरी से जीति आम जीतीचु आम जो वार्म अप मैच दुटा इंडिया भल रिजल्ट कर प्लस समस्ते फर्म अच्छा जो मैंने सिलेक्ट होती बर्तन आईपीएल भल खेल प्राय समस्ते बहुत एडवांटेज अच्छी भारत टीम रो फर्स्ट आम जो अच्छी कॉम्बिनेशन बहुत भल अच्छी प्लस आम से ग्राउंड रिसेंटली खेलु आईपीएल जो लीग है बहुत डिफरेन्स अच्छी गरम टाइम था अबिका जो वेदर अच्छी एकदम करेंटली जो वेदर कंडीशन को आम रिसेंटली आईपीएल खेलु तेनाली एडवांटेज इंडियन टीम को निश्चय मिले मैच दर्शक मैंने पूरा उत्साहित भारत को चीयर अप करने को एकाठी होती खेल प्रेमी
चाहो तो हमको आजमाना, हम यार बाज, हम जालसाज, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। आज बहुत एक्साइटेड हो छी, इंडिया जी जीतती बो, अल्पो जीतती बो, इंडिया भले टीम को हरेबा बहुत मुश्किल। इंडिया निश्चित भाव में पुणी पाकिस्तान को हरब जोड़ा कि चिराचरित प्रथा रही से प्रथा सब बेले रहइबो वर्ल्ड कप रे आमे तांको हराउछु और निश्चित भाव आज आम हरबू विश्वकप रे आज जाए भारत पाकिस्तान ठारु हारि नथुआ बेले एही रेकर्ड को बजाय रखा चेष्टा करिबो तेबे अभिज्ञता और शक्ति को देखिले भारत पाकिस्तान ठारु ढेर आगरे रहिछि टी ट्वेंटी विश्वकप रे भारत आज पर्यंत मोट बारटी जाक मैच रे पाकिस्तान को हरइबार रेकर्ड रहिछि टी ट्वेंटी विश्वकप रे भारत पाकिस्तान मोट पांच थर मुहांमुही होती आ सबुथर बाजिमात कर भारत 2007 रे पाकिस्तान को हरई भारत प्रथम टी ट्वेंटी विश्वकप जीति आज पुणी थे उभय दल मध्य कड़ा टक्कर टी ट्वेंटी फर्माट्रे अधिनायक हिसाब से चलित विश्वकप विराट कोहली शेष विश्वकप हो तेणु भारत को विश्वकप विजयी करने को पूरा दम लगे अधिनायक विराट कोहली निकटने दुबई में चली आईपीएल खेली भारतीय खेला निज निजर दक्षता को आहरी शाणित करेणु प्रति थर भि चलित विश्वकप मैच में भारत विजयी हो पूरा देशवासी विश्वास रही रिपोर्ट अर्गस न्यूज तो बड़ खबर जहाँ बर्तमान समय आसूँ भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को नहीं प्रथम टॉस जीतवा सहित बोलिंग निष्पत्ति नहीं पाकिस्तान बर्तमान समय बड़ खबर आसी पहुंचुची भारत पाकिस्तान टी ट्वेंटी विश्वकप मैच रे टॉस जीतवा सहित पाकिस्तान बोलिंग करने को निष्पत्ति नहीं प्रथम बैटिंग कर टीम इंडिया एवं पाकिस्तान प्रथम बोलिंग करार निष्पत्ति नहीं पाकिस्तान कैप्टेन बाबर आजम टॉस जीतवा पर प्रथम बोलिंग करार निष्पत्ति अर्थात प्रथम भारतीय बैट्समैन को निज बैट्र जादू देखा पड़ो जदि वर्ल्ड कप मैच में भारत को जितबार अच्छी खासकर टीम इंडिया बैटिंग क्रम बेस दृढ़ रही बेले रोहित शर्मा के राहुल विराट कोहली हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव रवींद्र जाडेजा एम नजर रे भारत केते स्कोर करते टार्गेट दे पाकिस्तान को बड़ खबर जहाँ बर्तमान समय आस पहुँचुच पाकिस्तान प्रथम टॉस जीणवा सहित बोलिंग करार निष्पत्ति प्रथम बैटिंग कर टीम इंडिया मात्र कई मिनिट अपेक्षा दुबई में आरंभ हो मैच जो पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भेटिव टीम इंडिया आ मैच को नहीं जो अपडेट वर्तमान समय आसी पहुंचुची टॉस जीणवा सहित प्रथम बोलिंग करार निष्पत्ति टीम पाकिस्तान पाकिस्तान कैप्टेन बाबर आजम टॉस जीति बेले से प्रथम दल बोलिंग करने को चाहिए निष्पत्ति भारतीय प्लेइंग इलेवेन जहाँ सूचना आसू रोहित शर्मा के एल राहुल विराट कोहली कैप्टेन सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या जहाँ को नहीं कल्पना जल्पना लगी रही है से मध्य मैच में स्थान पाई रवींद्र जाडेजा भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद सामी वरुण चक्रवर्ती जसप्रीत बुमराह दुईज स्पिनर को खेल भारत रवींद्र जाडेजा वरुण चक्रवर्ती तीन जन नियमित पेसर भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद सामी जसप्रीत बुमराह दल में स्थान पाई बेले हार्दिक पांड्या दल में स्थान पाई जहाँ कैप्टेन कोहली पूर्व जदि दरकार हुए हार्दिक पांड्या दुई रु तीन ओवर बोलिंग करें जहाँ कि भारत पर एक टीम बालांस रक्षा कर सबड़े ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के मध्य क्या खेल तापर समस्त नजर थी बेले ईशान किशन चूड़ा एकादश रु बात पड़ते सूर्य कुमार यादव को चूड़ा एकादश स्थान मिली रोहित शर्मा और के एल राहुल बैटिंग ओपन करने चिराचरित भाव नंबर थ्री पोजिशन बैटिंग करने को आसवे कैप्टेन कोहली नंबर फोर सूर्य कुमार यादव परवर्ती समय सिचुएशन को देखी भारतीय मैनेजमेंट निष्पत्ति नहीं पारे जे किए कहा परे बैटिंग करने को आसो तेज जहाँ सूचना आ पहुंचुची पाकिस्तान प्रथम टॉस जीतवा सहित तो बोलिंग करार निष्पत्ति नहीं देश में 100 कोटी डोज टीकाकरण पूरा होगा पर विश्व आगे भारत सामर्थ्य को दर्शाई यह सफलता पूरा देशवासियों मध्य एकतार मनोभावें संभव हो पारि 82वां मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 82वां मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को प्रधानमंत्री अभिनंदन 100 कोटी टीकाकरण देशर सामर्थ्यर परिचय स्वास्थ्य सेवा कर्मी उद्यम को प्रशंसा
महिला पुलिस माने भारतर महिला मानक पई रोल मॉडल। देशर एकता और महानता दिगरे समस्तंकर सहयोग जरूरी। नूतन ड्रोन नीतिर सदुपयोग हेबा आवश्यक। देशरे 100 कोटी डोज टीकाकरण पूरा हेबा विश्व आगरे भारतर सामर्थ्य को दर्शाउछि। एही सफलता पूरा देशवासीक मध्यरे थिबा एकतार मनोभाव पई संभव होई पारिछि बोली 82तम मन की बात कार्यक्रम रे देशवासीक संबोधन करी कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। देशर टीकाकरण अभियान को प्रशंसा करिबा सह अक्लांत परिश्रम करिथिबा स्वास्थ्य सेवा कर्मी को अभिवादन जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। महिला पुलिस कर्मचारी माने भारतर लक्ष लक्ष झियमानंकर आदर्श। केंद्रीय सशस्त्र बल समेत देशर पुलिस विभाग रे महिलांक संख्या 2 गुणरु अधिक होई जायछि। आज सबु क्षेत्र रे भारतीय महिला माने सेमानंकर पारदर्शिता प्रदर्शन करछन्ति। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी पिछले 7 सालों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। और मैं केवल संख्या की बात नहीं करता, आज देश की बेटियां कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और हौसले से कर रही है। आगामी रविवार अक्टूबर 31 तारीख है सरदार पटेल का जयंती। भारत लोह मानव सरदार पटेल का जीवन आदर्श रु आम बहुत किसी सीखी पाइबा। यही दिन को एकता दिवस रूपे पालन कर अवसर में देश एकता एवं महानता समस्ते किसी ना किसी करने लगे प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को अनुरोध कर। आदिवासी समाज पाई बलिदान देतिबा बिश्रा मुंडा स्मरण करिछन्ति प्रधानमंत्री। तांको जीवन आमको निजस्व संस्कृति प्रति गर्व करिबा, परिवेश जत्न एवं अन्याय विरोधरे संग्राम करिबा परि अनेक किछि शिक्षा दैछि। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेशी शासन के हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी। आज दिन अक्टूबर 24 रे जातिसंघ दिवस अवसर रे जातिसंघर प्रभाव और क्षमता वृद्धि कराइबारे भारत महिला मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को मने पकाइछन्ति प्रधानमंत्री। 1947-48 रे जातिसंघ मानव अधिकार सार्वजनीन घोषणानामा प्रस्तुति समय भारतर महिला प्रतिनिधि हंसल मेहटा उक्ति को विवेचना करा जायथिला। भारतर सुप्राचीन परंपरा विश्व शांति पई सर्वदा कार्य करिछि। जेंडर इक्वालिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। उसी दौरान एक अन्य डेलीगेट श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी। यही नहीं, 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी। वर्तमान समय रे भारतर ड्रोन टेक्नोलॉजी अधिक उन्नत होई परिछि। कोविड-19 टीका एवं कृषि जोगाण क्षेत्र रे ड्रोन उपयोग हेउछि। केन्द्रर नूतन ड्रोन नीतिर सदुपयोग करबा पई प्रधानमंत्री देशर युवक मानक संबोधन रे कहिछन्ति। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अपन देखछन्ति प्राइम ओडिसा समयिक ब्रेक। तो ब्रेक पर स्वागत। इंडिया पाकिस्तान मैच को नहीं जहाँ खबर आसी पहुंचुची, पाकिस्तान प्रथमे टॉस जीतिता बेले बैटिंग करार निष्पत्ति टीम इंडिया को, अर्थात बोलिंग कर पाकिस्तान तो प्रथम बैटिंग कर टीम इंडिया। तबे टीम इंडिया प्लेइंग इलेवेन पर नजर पकेबा, रोहित शर्मा केएल राहुल ओपनिंग करने मैच टीम पर ओपन करेंगे दुई जन। फर्स्ट डाउन में विराट कोहली, सेकेंड डाउन में सूर्य कुमार यादव, पर ऋषभ पंत आसवे एवं तांको पर हार्दिक पांड्या, रवींद्र जाडेजा और वरुण चक्रवर्ती दुई जन स्पिनर भाव दल में स्थान पाई। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सामी और जसप्रीत बुमराह ये तीन जन प्राइम सीमर भाव दल में स्थान पाई। तो टीम इलेवेन घोषणा करी टीम इंडिया जे क्यों चूड़ांत एकादश मैच में पाकिस्तान को टक्कर देव। ईशान किशन प्लेइंग इलेवेन रु बाद पड़ता बेले शार्दुल ठाकुर प्लेइंग इलेवेन रु बाद पड़ते, किंतु जो टीम सामना को आसी बे स्ट्रंग टीम विराट कोहली कैप्टेनशिप सहित केएल राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जाडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सामी, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह
ଏହି 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଆତଙ୍କକୁ ହରାଇବାରେ ଶିକ୍ଷା ହେବ ଅସ୍ତ୍ର। କାଶ୍ମୀରର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଇଆଇଟି ଜାମ୍ମୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ନୂତନ ଗୃହ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧାର ଲୋକାର୍ପଣ ତଥା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀରରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆତଙ୍କକୁ ହରାଇବାରେ ଶିକ୍ଷା ହେବ ଅସ୍ତ୍ର। କାଶ୍ମୀରର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଇଆଇଟି ଜାମ୍ମୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ନୂତନ ଗୃହ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧାର ଲୋକାର୍ପଣ ତଥା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଥିଲେ କାଶ୍ମୀରରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। आईआईटी आईएम और एम्स तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रचना कर एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे इसकी चिंता की। अमित शाह के साथ केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य उद्घाटन समय रे उपस्थित रही थे। आईआईटी जम्मू रा प्रथम फेज A1 ଏବଂ ଏ ବି ମୋଟ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେଜ୍ 1C 700.19 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଦିଜୀ କି ନେତୃତ୍ୱ ମେ ଅମିତ ଶାହାଜୀ କି ନେତୃତ୍ୱ ମେ ଜମ୍ମୁ ମେ ଏମ୍ସ ଆଇ ହେ ଜମ୍ମୁ ମେ ଆଇଆଇଏମ୍ ଆଇ ହେ ଆଜ ଦୁସରେ ଖୁସି କି ଘଟନା ହେ ତିନୋ ସଂସ୍ଥା ମିଲକେ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीनों संस्था मिलके कई अनेक कोर्स ऐसे देश के अंदर ला रहे हैं। देश में टनल कैसे बनेगा, टनल इंजीनियरिंग की कोर्स देश में कहीं नहीं है, आईआईटी जम्मू में होगा। देश के नौजवान, हिमालय के नौजवान पढ़ने यहाँ आएगा। तबे जम्मू और कश्मीर को राज्य मान्यता देवा पूर्वरु କେନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ଏବଂ ପରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଶ୍ମୀରର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶରେ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବେ ତିନିଦିନିଆ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ସେ ଜମ୍ମୁରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇଆଇଟି ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ସହ ପରେ ସେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଘେରିଲେ ଜନତା, ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ନେତା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ, ଫନି ସହାୟତା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମାଗିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ଓ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବର୍ମା ବାବୁ ହଟହଟା, ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମହାଶୟ। କଥା କ'ଣ କି, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଗାଁ ଗାଁ ତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଜନତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା, ଫନି ସାହାଯ୍ୟ ସହ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା। ଅବଶ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ଘେରିବାରୁ ହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ
एमिति हटहटा हेबाकु पडिथिला। शेषरे कोन करिवे बाध्य होई विभागीय अधिकारीको फोन करि महिलांको दुःख जनाइथिले। चाउल पाला नकेजी का चाउल करदब ना ना शुण तो रिक्वायरमेंट जहाँ दबा। पूर्वरु पीपिलीरे तुषार कांति और सुवर्णपुर मंत्री को घेरिथिले जनता। विधायक तथा मंत्री तुषार कांति बेहरा जाइथिले पुरी अस्तरंगर तांडहरा गाँव को। मंत्री गाड़ी गड़ीबा आगरु रास्तारे प्याज पकागला। मंत्री पळेले किंतु फेरिबा बाटरे हटहटा हेबाकु पड़िला। केही असंतुष्ट रास्ता को खोली देइथिले। खराब रास्तारे अटकी जाइथिले मंत्री आउ प्रश्न तालिका सह प्रस्तुत थिले स्थानीय बासिंदा। मंत्री को रास्ता आउ प्रतिश्रुति कथा मने पकाई देथिले। सेपटे सुवर्णपुर मंत्री निरंजन पूजारी को घेरी प्रश्न पचारिथिले लोके। माटिया पोल रास्ता काम काहीकि होइनाय बोली सीधा सीधा मंत्री को पचारिथिले। हेले मंत्री निरंजन पूजारी को पाखरे एही प्रश्नर कौनसी उत्तर नथिला। मंत्री कहउछंती से पार्टी कामरे आसीथिले कथा देई कथा रखि नथिबारु ताती थिले जनता। आ मंत्री को तांको प्रतिश्रुति अवहेला कथा मने पकाई देथिले। ब्रह्मगिरीरु कालूचरण साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। हाथ छाड़ीबा परे शंख फुंकिबे कांग्रेस रो पूर्वतन कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी। केवल प्रदीप एका नुहंती दक्षिण ओडिशार आउ किछि आगधाड़ीर नेताकु नै से बीजेडी रे सामिल हेबे बोली घोषणा करिछन्ते। तेबे प्रदीप शंख धरिबा नै जेतिक चर्चा होउछि ताठु अधिक चर्चा कांग्रेस रो दक्षिण गड़ भुसुड़ीबाकु नै। खाली दक्षिण नुहे कांग्रेस धीरे धीरे पूरा ओडिशा रे तार अस्तित्व हराउथबार गणित कसुछन्ति समीक्षक। कांग्रेस कार्यकारी सभापति पदर थी हाथ छाड़ी प्रदीप माझी शंख फुंकिबा को निष्पत्ति नहीं। नवरंगपुर में आज एक सांबादिक सम्मेलन में प्रदीप कांग्रेस छाड़बार कारण और बीजेडी जीवार उद्देश्य बखाणी कहते कांग्रेस एवं लोकों पाखे विश्वसनीयता हर ओडिशा रे कांग्रेस सरकार को आसवर संभावना ना दक्षिणांचल विकास बीजेडी सामिल हो। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को प्रदीप प्रशंसा करने दक्षिणांचल विकास बीजेडी जिबे बोली स्पष्ट कर। दक्षिण ओडिशा पूर्व कांग्रेस टिकेट रु जीति कैलाश कुलेसिका प्रदीप सहता बेले एथर निर्वाचन में लड़ा लक्ष्मीप्रिया नायक जितेन्द्र गुंडा को नहीं से गोटे सप्ताह मध्य बीजेडी में मिशे बोली प्रदीप माझी। तेरे बीजेडी को प्रशंसा कला बेले कांग्रेस और बीजेडी विचारधारा को सामान बोली प्रदीप गोटे राजनैतिक दल जे कि सरकार रे आसी पारिबो नाही किंबा आसिला भलिया परिस्थिति सृष्टि करि पारिबो नाही ताले किपरि भावरे ए अंचल रो समस्या समाधान हबो। आमे समस्त विजु जनता दल रे शामिल हबो एवं नवीन बाबूंकर हाथ मुठा को टाण करिबो। 2019 मसिया एवं आज 2021 मसिया भितरे बहुत फरक पळे आसलानी। ए दुई वर्ष भितरे कांग्रेस दल निजर क्रेडिबिलिटी हरैलाने निजर विश्वसनीयता हरैलाने एवं बहुत अधपतन हो सारा। भारतीय जातीय कांग्रेस विचारधारा एवं विजु जनता दल विचारधारा विषय खास फरक ना। 2019 निर्वाचन पूर्व कांग्रेस कार्यकारी सभापति थिबा नव दास सेतेबेले कांग्रेस छाड़ी बीजेडी जिबा बेले कटाक्ष करथिले प्रदीप। ट्वीट करी नव को सुविधावाद बाण मारिबा सह आदर्श राजनीतिर पाठ भी पढ़ाई। हेले रविवार एने सांबादिकों प्रश्नर संतोषजनक उत्तर नदे केवल कहते दुई वर्ष तलर स्थिति एवं ना कंदल को नहीं सब बेले कांग्रेस रे के लागी रही बेले क्रमगत भाव दलर भोट हार कमुची। से साधारण निर्वाचन हो अबा उपनिर्वाचन कांग्रेस मुख्य विरोधी दलर तीन नंबर को खसी बेले उपनिर्वाचन में भोट हार 5% दल को जा होजार 2009 रु 2019 भितर कांग्रेस भोट हार हिसाब।
ए तथ्यको देखि प्रश्न उठुछि, राज्य राजनीतिरे दिनकु दिन अप्रासंगिक होउछि कि कांग्रेस? राजनीति समीक्षकक गणित कहुछि, कन्दळ भितरे बुडी रहुतबा कांग्रेसर आहुरि खराब समय आसिपारे। तेबे सभापति किन्तु ए कथाकु मानिबाकु नाराज। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप माझीर दल त्याग एवं बीजेडी योगदान निश्चित भाव ओडिशा रे कांग्रेस रो स्थिति को अधिक दयनीय कर, कारण ए दल आम जहाँ देखुचे जे विगत 21 वर्ष धरिकी जो संग्राम करुच्छे से संग्राम रे आपण देखिबे रिजल्ट किछि आसुना दल सपक्ष दल प्रदर्शन सेमती किछि उन्नति होनी, दिनकु दिन रसातलगामी होउछि। आजिकालि जो माने राजनीति करछन्ति ସେମାନେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟକରଣ ପ୍ରସେସରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସଭା ହେଇନି, ଏଇନା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଚାଲିଲେ ସକା, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଗଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ନ ହେବ? ଘର ପରମାନେଣ୍ଟ, ସେ ଘର ଭିତରେ ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା ପଶନ୍ତି, ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଭାପତି ଚେୟାରକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଟଣା ଓଟରା, ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଏ ବାଏ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କୋରାପୁଟର କୋଟପାଡ଼ାରେ ରବିବାର ଦଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ 31 ତାରିଖରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସଭା କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ରୁ ହୋଇଛି କ୍ରାଇମ୍। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ରାୟପୁର ଘରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ମମିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ ବୁଝାମଣା ଉଦ୍ୟମ, ହେଲେ ମମିତା ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପଦାକୁ ସତ ଆସିବ ବୋଲି ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ରୁ କ୍ରାଇମ୍, ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ମମିତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏପରି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ହେଉଛି ସେହି ଘର ଯେଉଁଠିକି ମମିତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ରାୟପୁରର 9 ୱାର୍ଡରେ ଥିବା କୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫ୍ଲାଟ୍ ନମ୍ବର E2/203। ଏହିଠାରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମମିତା ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଲୁଚାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି DIG ଓ SP କ୍ରାଇମ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିଲା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ମମିନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାୟପୁରରେ। ରାୟପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଇଏ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବସି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରୁନଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରସୋର କରାଯିବ, ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବି ନବୀନ ନିବାସଠୁ ନେଇ DG ଅଫିସ ଓ ଲୋକସେବା ଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି PCC ସଭାପତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନାହିଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ, CBIକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ବହିଷ୍କାର କରିବୁ ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ
प्रतिवाद कर मुख्यमंत्री महाशय इतिहास सृष्टि कर मंत्री महाशय को इस्तफा देवाई कहतु ताल आम लोक मान जो जनसाधारण जो सन्देहटा उपजुची सरकार मुख्यमंत्री सी सन्देह आ रही ना मुमेंट चल रहा बट किना कि सारा विभिन्न जिले कलु पुणे भुवनेश्वर करूँ यू भ्रष्टाचार विरुद्ध कांग्रेस दल तार आंदोलन चालू रख चर्चा हो मंत्री काले वर्तमान से रायपुर स्थित बासभवन में रुचार जन आक्रोश और गणमाध्यम प्रश्न बर्तवापी मंत्री रायपुर स्थित से बासभवन सरकारी बैठक कर आलोचना हो तेब एसब भितर प्रश्न उठू अभियुक्त पुलिस आगे जदि सत मानिला तेज आज पर्यंत जुडिशियल कन्फ्लेक्शन कहीं कॉल रेकर्ड कहीं जांच करा मंत्री दिव्यशंकर मिश्र और घनिष्ठ सहयोगी गोविंद साहू ममिता सहित रायपुर कर मीटिंग विषय में पुलिस जाणी ना नहीं पुलिस आगे सत मानवा बेले एक गोविंद कही ना नहीं ना पुलिस सबकि जाणी सत्वे भी निज मालिक अर्थात गृह राष्ट्रमंत्री को खसई देवा लगी प्रसंग सामना को आनी नहीं संबलपुर सुरेंद्र बारिक भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सर फ्राइम ओडिशा को यही रखु मत विदाय दिंतु नमस्कार।